अभी आपको रामनगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर श्रावण की भारी धूम है। यहां पर भी चौथे सोमवार के अवसर पर भीड़ उमड़ पड़ी है श्रद्धालुओं की। बता दें, श्रावण मास का चौथा सोमवार है। नागेश्वर नाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक हो रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। बता दें, श्रद्धालुओं की सुविधा का व्यापक इंतजाम किया गया है। बता दें, नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित किया गया था। श्रावण के चौथे सोमवार पर रामनगरी में भीड़ उमड़ी है। नागेश्वर नाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक चल रहा है। श्रद्धालु सुबह से कतारबद्ध होकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। मठ मंदिरों में व्यापक व्यवस्थाएं की गई है, कई सुविधा श्रद्धालुओं को दी गई है, व्यापक इंतजाम किया गया है। बता दें, नागेश्वर नाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक चल रहा है। सावन की चौथी सोमवारी है। इसी पर अधिक जानकारी ले लेंगे हमारे संवाददाता से। आजम खान हमसे जुड़ गए हैं, संवाददाता हमारे अयोध्या से। आजम, सावन की चौथी सोमवारी है और नागेश्वर नाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक हो रहा है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, तस्वीरें क्या बताती है? बिल्कुल, आपको बता दूं, सावन के चौथी सोमवार पर रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु सुबह से ही नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक देख कर रहे हैं और श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा यह स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर बहुत ही पौराणिक और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम जो किया गया और सुबह 3 बजे भोर से ही मंदिर का पट गेट खोल दिया गया, जिसमें शिव भक्त जो है दर्शन और पूजन कर रहे, सरयू का स्नान करने के बाद सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर जलाभिषेक जो कर रहे हैं और मठ मंदिरों में व्यापक जो है व्यवस्थाएं और इंतजाम जो किए गए। अगर बात अगर सुरक्षा की की जाए तो सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने मास्टर प्लान बनाए हैं। छोटी छोटी टुकड़ी में श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि गर्भगृह की जो क्षमता है जो पौष्ट कर्म है क्षमता के अनुरूप ही श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और फिर यहाँ पर जो प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं कर रखी है बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है। बात अगर की जाए प्रवेश में प्रवेश और निकालने की तो अलग अलग व्यवस्थाएं जो दी गई है, जाने का अलग है और निकलने का अलग है। जी, जैसा कि सोमवार है और हर प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार में भी भीड़ होना लाजमी है आजम, लेकिन यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है प्रशासन की, क्योंकि जगह जगह से भीड़ की खबर तो आती है लेकिन कहीं कहीं सूचना भी आती है कि भगदड़ मच गई है, कहीं पर भीड़ अनियंत्रित हो गई है, तो इस तरह की अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए क्या मुस्तैदी की गई है पुलिस प्रशासन बल की और किस तरह से व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा किया गया है? मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जो अयोध्या है सोमवार की नगरी है, तो सावन का महीना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि सावन तो हर जगह मनाया जाता है, कांवड़ यात्रा लेकर के आते हैं लोग, रुद्राभिषेक को जलाभिषेक करते हैं, लेकिन अयोध्या में तो ज्यादा ही खास तरीके से महत्वता से सावन का पर्व मनाया जाता है, जिसको सावन के महीने के पूर्व भी यहाँ पर जिला प्रशासन और जिला जो मंत्री है और यहाँ के जो जिला प्रशासन के जो लोग हैं उससे पहले से ही तैयारी ये कर लेते हैं, क्योंकि सावन का मेला यहाँ पे बहुत ही प्रमुख माना जाता है और यहाँ पर एक मणि पर्वत स्थान है। सावन के महीने में 15 दिन के बाद जो है जो तीसरा सोमवार आता है उसी सोमवार से ही मणि पर्वत का झूलन और झूलन उत्सव का भी कार्यक्रम होता है, झूला मेला स्टार्ट हो जाता है। जैसा यहाँ पे मानना है कि अयोध्या की जो मठ मंदिर है वहाँ पे जो है राम जी और सीता जी यहाँ से सज धज करके राजे राजे के साथ मणि पर्वत पर जाते हैं और वहाँ झूला झूलते हैं और झूला झूलने के बाद पुनः अपने मंदिर में वापस आते हैं और वहाँ से जो है 15 दिन के लिए झूलन उत्सव का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और सारे मठ मंदिरों में राम जी और सीता जी झूलन उत्सव झूला झूलने का कार्य होता है, उसमें गायन आसन सभी सुनाते हैं। तो बात अगर प्रशासनिक व्यवस्था में की जाए तो यहाँ पर प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी है कि जो भी सावन मेले में अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हो उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत न हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए आजम। तो बता दे कि श्री राम की जन्म नगरी अयोध्या में भी सावन की धूम देखने को मिल रही है। सावन के चौथे सोमवार पर रामनगरी में भारी भीड़ उमड़ी है। नागेश्वर नाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक चल रहा है। वहीं पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन द्वारा किए गए हैं।
श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कमी ना आए, इस कारण से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें सावन की चौथी सोमवारी है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है उमड़ पड़ी है।